नमस्कार, आप देख रहे हैं बस्ती टाइम 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति पांडे। बस्ती टाइम में हम आपको दिखाएंगे हर राज्य की महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से, लेकिन सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर खबरों की अपडेट मिले सबसे पहले आपको, और हमारी खबरों को शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तिजारा थाना क्षेत्र के मुंडाना गांव में देर रात 1:30 पर एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां घर में हीटर जलाकर सो रहे दंपति और उनकी एक मासूम बच्ची बुरी तरह झुलस गई, जिसमें पति की और उसकी मासूम बच्ची की तो मौत हो गई और महिला गंभीर झुलसी हालत में अलवर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ पर वन वार्ड में उसका इलाज चल रहा है। वहीं मृतक व्यक्ति और उसकी मासूम बच्ची का अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। जानकारी के अनुसार तिजारा के मुंडाना गाँव में दीपक कुमार अपनी पत्नी संजू और मासूम बच्ची के साथ अपने कमरे में सो रहे थे। रात को हीटर लगाया और वह चालू ही छोड़ दिया, हीटर बेड के पास ही रखा था। ज्यादा हीटिंग होने के कारण कपड़ों में आग लग गई और तीनों गंभीर रूप से जलने लगे, जहां जलने की वजह से पवन ने शोर मचाया तो आसपास के लोग आए और आग को बुझाया। आसपास के लोग पहुंचते इससे पहले ही तीनों गंभीर रूप से झुलस चुके थे। तीनों को तिजारा अस्पताल ले जाया गया, जहां पर दीपक और उसकी बच्ची को मृत घोषित कर दिया। वहीं दीपक की पत्नी संजू करीब 80% झुलस गई है, जिसे आनंद फानंद में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उसका इलाज किया जा रहा है। शेखपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जानकारी जुटाई। तिजारा थाने में अस्पताल में मृतक दीपक और उसकी बच्ची का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। ब्यूरो चीफ मुकेश कुमार शर्मा। एक यादव परिवार है, जिसमें पति का नाम दीपक है, पत्नी का नाम संजू और उनकी 3 महीने की बेटी थी, जो रात में दुर्घटनावश किसी कारणों से घर में सोए हुए थे। आग लग जाने के कारण 2 लोगों की जो पिता है और 3 भाई की बेटी है, उसकी मौके पर जलने से मौत हो गई, और उनकी पत्नी है संजू, उसको अलवर हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। जी भैया, क्या नाम आपका? मेरा नाम कुलदीप है भाई। क्या घटना हुई है, कब की घटना थी ये? रात को 1 बजे की घटना है भाई। ये बच्चे सो रहे थे, मैं इनका साथ चला गया हूँ, और ये रात को जैसे हीटर लगा के सो रहे थे, उसमें कोई शॉर्ट सर्किट होने की वजह से इनका आग पकड़ गई, बिस्तरों में आग लगने से। वो तो लड़का था जो दीपक नाम का, उसकी 1-2 महीने की बेटी थी और ये वाइफ थी, ये तीनों ही मतलब बुरी तरह से जल गए। तो हम उठे और इन्होंने शोर शराबा किया, तो हम उठे हैं, उठने के बाद हमने देखा तो वो दीपक और वो बच्ची पूरी तरह जल चुकी थी। हमने बड़ी देर से बचाव किया है, कंबल उम्बल डाला, मिट्टी उट्टी पानी वानी डाल के, लेकिन इसको हम एक को ही, इसकी वाइफ को ही बचा पाए बस, बाकी वो ज़्यादा तेज आग बढ़ने से बचा नहीं पाए, तो उन्हें अंदर जल के रहा। पूरा कमरा जल गया या बिस्तरों में? पूरा कमरा जल गया, पूरे कमरे में आग लग गई थी, जैसे गैस वैस में भी पकड़ गई थी, लेकिन सिलेंडर को हमने निकाल लिया था बाहर। पत्नी का क्या नाम है? उसकी पत्नी का नाम संजू था। शादी कब हुई थी? शादी अभी करीब 2 साल पहले। लव मैरिज? लव मैरिज। क्या नाम आपका? सुनीता। कौन से गांव की क्या घटना हो गई है? मुंडाना के। क्या घटना हो गई? ये हीटर से आंच लगी है। अच्छा, कौन कौन जल गए इसमें? एक लड़की छोटी 2 महीना की, एक लड़को 22-23 साल को। क्या नाम लड़की? दीपक। और महिला है, इसका क्या नाम है? संजू। कब पता लगा आपको? 1:30 बजे रात को। रात को 1:30 बजे। अच्छा, लड़का और जो छोटी बच्ची थी वो वहीं झुलस गई? वे वहीं में झुलस गए। एक्सपायर हो गए? एक्सपायर हो गए, दोनों को दोनों निकाल ही ना पाया। आपका क्या नाम है? सुनीता। क्या लगते हो आप उनके? सास।